दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है बैद्यनाथ का लोहासव। सबसे पहले हम बात करेंगे बैद्यनाथ लोहासव किन किन आयुर्वेदिक औषधियों से मिलकर बनी होती है, उसके बाद में हम बात करेंगे यह कौन सी बीमारियों पर काम करता है, और उसके बाद हम बात करेंगे इसके सेवन विधि की। दोस्तों आज जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ वह बात आपके सेहत और हेल्थ से जुड़ी हुई है। यह हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर आप एक बार इसे पूरा देख लेते हैं तो आपको काफ़ी सेहत लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं बैद्यनाथ का लोहासव किन किन आयुर्वेदिक औषधियों से मिलकर बना होता है। फ्रेंड्स, बैद्यनाथ लोहासव मुख्य रूप से लोहे का बुरादा, आंवला, हरड़, बहेड़ा, नागरमोथा, अजवाइन, चित्रकमूल, सोठ, मिस्ट पीपल और शहद एवं गुड़ से मिलाकर बनाया जाता है। यह आयुर्वेदिक विधि से बनता है, इसका किसी प्रकार से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। दोस्तों इसमें शहद एवं गुड़ की मात्रा भी पर्याप्त रूप से मिली रहती है, क्योंकि जब इसमें शहद और गुड़ की मात्रा कम हो जाती है तो इसका स्वाद खट्टा हो जाता है। इसका स्वाद अच्छा करने के लिए इसमें शहद और गुड़ भी पर्याप्त मात्रा में मिलाया जाता है। फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं यह किन किन बीमारियों पर काम करता है। फ्रेंड्स, बैद्यनाथ लोहासव पांडु रोग को दूर कर देता है। पांडु अर्थात की पीलिया, जिसे हम जांडिस कहते हैं, और इस पीलिया को डॉक्टरी भाषा में हम हेपेटाइटिस कहते हैं। फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस एक वायरल डिसीज है, एक विषाणु जनित रोग है। अगर आप जॉन्डिस से पीड़ित है, आपको हेपेटाइटिस हो गया है, तब ऐसी स्थिति में यदि आप बैद्यनाथ के लोहासव का प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे आपका जॉन्डिस समाप्त हो जाएगा, आपके शरीर में खून की मात्रा पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स, जॉन्डिस में क्या होता है, हमारी आँखें पीली हो जाती है, त्वचा पीली दिखाई देती है, यूरिन और दस्त भी पीले ही आते हैं, अर्थात हमारे शरीर में बायलरूबिन वर्ण की मात्रा बढ़ जाती है। बैद्यनाथ लोहासव का प्रयोग करने से धीरे धीरे हमारे शरीर में खून की कमी पूरी हो जाती है और हेपेटाइटिस नामक जो वायरस है वह धीरे धीरे इसके प्रभाव से समाप्त होने लग जाता है और हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। अगर हमें एनीमिया है अर्थात खून की कमी है, तब भी हमें बैद्यनाथ के लोहासव का प्रयोग करना चाहिए। लोहासव के प्रयोग करने से खून की जो कमी है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। वैसे एक स्वस्थ शरीर में कम से कम 10 ग्राम और अधिकतम 12, 13, अधिकतम 14 ग्राम खून तक रहना चाहिए। अगर खून 10 ग्राम से कम हो जाता है तो हमारे शरीर में कई प्रकार की कमजोरियां हमें आ जाती है। दोस्तों बैद्यनाथ के लोहासव का प्रयोग हम अर्स में भी करते हैं। अर्स अर्थात की बवासीर, जिसे हम पाइल्स कहते हैं, पाइल्स में भी बैद्यनाथ लोहासव का प्रयोग करने से धीरे धीरे पाइल्स समाप्त हो जाती है। अगर आपको मंद अग्नि है अर्थात भूख नहीं लग रही है, तब ऐसी स्थिति में आपको बैद्यनाथ लोहासव का प्रयोग करने से आपकी भूख सामान्य हो जाती है और आपको पर्याप्त मात्रा में भूख लगने लगती है। दोस्तों अगर आपको हृदय में किसी प्रकार की कोई समस्या है या आपके लीवर में समस्या है, तो बैद्यनाथ लोहासव हृदय और लीवर की समस्या पर अच्छा काम करता है। अर्थात हृदय और लीवर की जो भी समस्याएं हैं, जो भी विकार है इनमें, उनको यह दूर कर देता है। अगर आपके शरीर में सुजाक हो गया, सुजाक अर्थात की सूजन है, तब भी यह बैद्यनाथ लोहासव आपके शरीर से धीरे धीरे पानी की मात्रा को निकाल करके आपके शरीर में खून की पर्याप्त मात्रा उत्पन्न कर देता है और धीरे धीरे आपकी जो सुजाक वाली समस्या है, जो शरीर में सूजन बन रहा है, वो खत्म हो जाती है। दोस्तों बैद्यनाथ का लोहासव पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक है, इसका किसी प्रकार से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अगर आप लंबे समय से बुखार से पीड़ित है, आपको ज्वर है, मलेरिया आदि हो गया है, और अगर आपका लीवर का आकार बढ़ गया है या प्लीहा या स्प्लिन का आकार बढ़ गया है, तो लीवर के आकार को और प्लीहा के आकार को, स्प्लिन के आकार को सही करने के लिए भी आप बैद्यनाथ के लोहासव का सेवन कर सकते हैं। धीरे धीरे इस आयुर्वेदिक औषधि का सेवन करने से आपके शरीर की समस्त समस्याएँ, जैसे लीवर का कमज़ोर होना, खून की कमी होना, अतिसार हो जाना, दस्त हो जाना, पीलिया हो जाना, ये सब समस्या आपकी खत्म हो जाती है। हृदय और लीवर की समस्या को यह धीरे धीरे खत्म कर देता है और आपको स्वस्थ कर देता है। अब हम बात करते हैं इसके सेवन विधि की। दोस्तों बैद्यनाथ के लोहासव को
आपको सुबह खाना खाने के बाद ठंडे जल से लेना चाहिए और रात्रि में भी खाना खाने के बाद ठंडे जल से लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी मात्रा की। दोस्तों आपको यह मार्केट में आधे लीटर अर्थात कि 500 ml की बोतल में उपस्थित है। आपको दो ढक्कन दवा सुबह खाना खाने के बाद ठंडे जल से लेना है और दो ढक्कन दवा और दो ढक्कन पानी सुबह आपको रात्रि में आपको खाना खाने के बाद लेना है। लगभग आयुर्वेद में इसकी मात्रा एक तोला बताई गई है, लेकिन आपको आपकी जो दवा आएगी, आपकी जो बोतल आती है, आपको उस बोतल में सुबह खाना खाने के बाद दो ढक्कन दवा दो ढक्कन पानी लेना है और रात्रि में खाना खाने के बाद दो ढक्कन दवा दो ढक्कन पानी लेना है। अगर आप बैद्यनाथ के लोहासों का प्रयोग करते हैं तो आप छोटी मोटी बीमारियों से ऐसे ही बच सकते हैं और आप फुर्तीले, ऊर्जावान और एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। चैनल पर पहली बार आया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बात आपकी हेल्थ की है। हेल्थ से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।